नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश्वर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज का टॉपिक है ऑस्टियोमायलाइटिस के बारे में। ऑस्टियोमायलाइटिस क्या होता है, इसमें जो बोन मैरो रहता है, जो हमारे लॉन्ग बोन्स रहती हैं उसमें जो बोन मैरो रहता है उसमें इन्फेक्शन हो जाने की वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाता है और बोन डेथ होने के कारण भी रहते हैं। कभी कभी स्किन पे जो इन्फेक्शन हो जाता है वो इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर होने की वजह से वो बोन में भी पहुंच जाता है और बोन के साथ साथ वो बोन मैरो में जाकर पहुंच जाता है और वहां पे ब्लड सप्लाई ब्लॉक के जिसकी वजह से इस इन्फेक्शन की वजह से जो ब्लॉक हो जाता है तो बोन मैरो में काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। जो स्टेम सेल्स बनने चाहिए वो बनते नहीं है और काफी ज्यादा जो डैमेज जो है वो हमारे बोन मैरो को हो जाता है जिसकी वजह से बोन डेड यानी कि बोन का जो खत्म होना जो है, क्योंकि बोन भी एक टिश्यू से बना हुआ रहता है जिसके नरिशमेंट के लिए उसे प्रॉपर ब्लड सप्लाई की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। हमने पहले के वीडियोज में भी देखा हुआ है, अगर उसे सही तरीके का नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है बोन डेड हो जाएगी और कभी कभी ये अगर इतना सीवियर हो जाता है तो बोन की या फिर जो लिम्ब रहते हैं क्योंकि वहां वो हमें काटना भी पड़ सकता है। ये काफी सीवियर और रेयर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा समझने वाले हैं कि ऑस्टियोमायलाइटिस होता क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बोन मैरो के बारे में अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है इस चैनल पे बना दिया है कि बोन के अंदर क्या क्या है या फिर हड्डियों के अंदर क्या होता है, ये उसका एक हेडिंग है, उसका टॉपिक है उसका। तो उसमें रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो के बारे में मैंने पूरा डिटेल आपको शेयर ऑलरेडी कर दिया एक वीडियो के जरिए, तो वो वीडियो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें मैंने दिया हुआ है। तो ऑस्टियोमायलाइटिस इज अ बोन इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया और फंगाई। इट कॉज अ पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द बोन मैरो, द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड योर बोन। तो ये बैक्टीरिया और फंगस के कारण होने वाला जो एक इन्फेक्शन है उसे ऑस्टियोमायलाइटिस कहा जाता है, जो कि बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या होता है, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू रहता है जो कि हड्डियों के अंदर रहता है, ठीक है। विदाउट ट्रीटमेंट द स्वेलिंग फ्रॉम द बोन इन्फेक्शन कैन कट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू योर बोन कॉजिंग टू द बोन डेथ। अगर इसका सही तरीके से सही टाइम पे ट्रीटमेंट आप नहीं करते हैं तो ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते ब्लड सप्लाई जो है वो कट ऑफ कर देता है जिसकी वजह से बोन का डेड होना स्वाभाविक बनता है। इसमें व्हाट इज बोन मैरो, तो बोन मैरो मैंने आपको पहले बताया कि एक स्पॉन्जी सॉफ्ट टिश्यू रहता है हड्डियों के अंदर एक प्रकार का रहता है जो कि स्टेम सेल्स बनाने का काम करता है जिससे वो ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने का काम करता है, ठीक है। और डिटेल आप पहले के वीडियो में रेफर कर सकते हैं, तो उसे ही बोन मैरो जो है वो कहा जाता है। ज्यादातर ये हिप या थाई बोन में या फिर बड़ी बोन जो रहती है हमारे शरीर में लिम्ब बोन्स में उसमें ज्यादातर ये देखने को मिलता है। हु माइट हैव द ऑस्टियोमायलाइटिस, ऑस्टियोमायलाइटिस अफेक्ट द पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड जेंडर। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज में, चाहे बच्चा बूढ़ा जवान हो, उसे अफेक्ट कर सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो या कोई भी जेंडर हो, ट्रांसजेंडर हो, उसे भी ये अफेक्ट कर सकता है। चिल्ड्रन यंगर देन 3 द एल्डरली, तो 3 साल से छोटे बच्चे भी अगर हैं उनमें भी हो सकता है। एल्डरली जो एक यंग जवान व्यक्ति जिसे हम लोग कहते हैं उसे भी हो सकता है। पीपल विद सीरियस मेडिकल कंडीशन आर मोर प्रोन टू द कंडीशन, अगर किसी कुछ ज्यादा हेल्थ कंडीशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे हैं तो ऐसे लोग जो है वो ज्यादा प्रोन है, मतलब ऐसे लोग ज्यादा इन्फेक्शन के कारण उन्हें ये इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन चिल्ड्रन द इन्फेक्शन इज मोर लाइकली टू अफेक्ट द लॉन्ग बोन सच एज दोज फाउंड इन द लेग्स एंड द आर्म। तो ठीक है, बच्चों में अगर होता है तो चांसेस ये ज्यादा है कि उन्हें लॉन्ग बोन यानी कि जो ह्यूमेरस टिबिया रेडियस वगैरह जो है, टिबिया फाइबुला जो है, ह्यूमेरस बोन है, रेडियस अल्ना बोन है, तो इनमें ज्यादातर होने के चांसेस रहते हैं अगर बच्चों में अगर ये इन्फेक्शन अगर होता है। अगर बड़ों में होता है इन एडल्ट बोन इन्फेक्शन आर मोर ऑफन टारगेट द स्पाइंस, तो बड़ों में अगर होगा तो रीढ़ की हड्डी को ज्यादातर ये अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। टाइप ऑफ ऑस्टियोमायलाइटिस, तो उसके कॉजेस कौन से हिस्से कर रहा है, कितने समय तक ये इन्फेक्शन है, उसके कैटेगराइज से जो है वो उसे किया गया है 3 हिस्सों में, एक्यूट, क्रॉनिक और वर्टेब्रल में। एक्यूट का मतलब आप समझ गए होंगे कि दिस इन्फेक्शन कम्स ऑन सडनली, अचानक से होने वाला और कुछ समय तक ये रहने वाला और धीरे धीरे फिर ये पेन, अगर इसका ट्रीटमेंट मिलती है अगर इसे ट्रीटमेंट तो ये ठीक होने का भी चांसेस रहते हैं, अगर नहीं तो ये क्रॉनिक हो जाता है। तो दिस इन्फेक्शन कम्स ऑन सडनली, यू मे हैव अ फीवर एंड देन डेवलप द पेन इन द इन्फेक्टेड एरिया डेज लेटर, ठीक है। फीवर होने के चांसेस भी आपको बढ़ जाते हैं और जो दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है आपको कुछ समय के बाद, जहां पे इन्फेक्शन हुआ है किसी बोन में अगर इन्फेक्शन हुआ है और ये सडनली होने वाला इन्फेक्शन है जो कि ये लॉन्ग बोन्स में होता है, जो बोन मैरो में ये होता है। क्रॉनिक इज अ बोन इन्फेक्शन दैट डजंट गो अवे विदाउट अ ट्रीटमेंट,
ये काफी लंबे समय तक, क्रॉनिक से मतलब क्या है, काफी लंबे समय तक रहेगा और ये बिना ट्रीटमेंट के जाने वाला है नहीं, इसे ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। ट्रीटमेंट के पार्ट हम सबसे लास्ट में देखेंगे कौन से ट्रीटमेंट है। लेकिन इट कॉज अ बोन पेन एंड रिकरिंग द ड्रेनेज, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियों में काफी ज्यादा आपको पेन रहेगा और रिकरिंग ड्रेनेज, एक पस जैसा, जैसे हम लोग कहते हैं ये क्रीमी येलो जो पस रहता है वो, उसका ड्रेनेज जो है वो होता रहेगा। रेयरली द क्रॉनिक ऑस्टियोमायलाइटिस डजंट हैव द सिम्टम्स, द इन्फेक्शन मे बी अनरिटर्न फॉर मंथ एंड ईयर्स लेटर। क्रॉनिक ऑस्टियोमायलाइटिस के इन्फेक्शन बहुत ही, जो सिम्टम्स हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, और अगर दिखते भी हैं तो उसमें भी देखने में काफी महीने या साल हो जाते हैं, तब जाके उसका इन्फेक्शन जो सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे कह सकते हैं अभी ये दबा हुआ रहता है, क्रॉनिक ऑस्टियोमायलाइटिस ये दबा हुआ रहता है, ठीक है। वर्टेब्रल नाम से आप समझ गए होंगे कि वर्टेब्रल कॉलम्स है। दिस टाइप्स अफेक्ट द स्पाइन, इट कॉज द क्रॉनिक बैक पेन दैट गेट वर्स व्हेन यू मूव। तो क्रॉनिक काफी ज्यादा बैक पेन हो जाता है, काफी बहुत सारा दर्द होता है, और जितना आप मूव करते हो तो ये उसका दर्द और ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं और आपको तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट लाइक रेस्टिंग हीटिंग एंड द पेन रिलीवर डजंट हेल्प। तो आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा सा हीटिंग पैड्स का लगा लेता हूँ, थोड़ा सा मतलब जो गर्म कपड़ा लगा लेते हैं या फिर जो हीटिंग पैड्स रहते हैं थोड़े से गर्म सेक ठंडा सेक करते हैं हम लोग, आपको लगा कि ये सब चीजें करें, या फिर कोई दवाई ले लिया ओटीसी मेडिकल काउंटर से, या कोई पेन किलर दे दो, रीढ़ में हड्डी में थोड़ा दर्द है पेन किलर दे दो, आपको लगा ये मैं ले लूंगा तो शायद ठीक हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल ये ठीक होने वाला नहीं है। इट रेयरली कॉज अ फीवर, पीपल हु लाइव इन द नर्सिंग होम मिसयूज द आईवी ड्रग्स और ऑन डायलिसिस आर मोर प्रोन टू द स्पाइनल बोन इन्फेक्शन। तो ये इसमें फीवर होने के चांसेस काफी कम है, इसमें फीवर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जो लोग नर्सिंग होम में ज्यादा काम करते हैं या फिर जो आईवी ड्रग्स का मिसयूज करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि जो लोग डायलिसिस पे हैं वो काफी ज्यादा, हम जो रीढ़ का इन्फेक्शन है मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन है, सबसे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होता रहता है बार बार, और बार बार जो है वो बोन मैरो को ये अफेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होती है, आपकी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होती है उसमें। कॉजेस क्या है, अब ये होता क्यों है, सिंपल, अब बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसका कॉज क्या है और ये रिस्क फैक्टर्स के क्या क्या है। ऑस्टियोमायलाइटिस ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया फ्रॉम नियर बाय इन्फेक्टेड टिश्यू और एन ओपन वुंड सर्कुलेट टू द ब्लड एंड सेटल इन द बोन व्हेन दे मल्टीप्लाई। द स्टेफिलोकोकस ऑरियस, दैट इज अ विच बैक्टीरिया स्टेफ इन्फेक्शन टिपिकली कॉज द ऑस्टियोमायलाइटिस। Sometimes a fungal or a germ, other germ cause a bone infection. तो ये जो होता है इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण सबसे ज्यादा होता है, दूसरा फंगस या कोई जर्म इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसके कारण ही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि क्या होता है, ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्या होता है, मान लीजिए किसी को यहाँ पे चोट लगती है, घुटने वगैरह पे चोट लगती है, कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ वुंड हो गया, वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा हड्डी की तरफ, हड्डी के बाद धीरे धीरे चढ़ता जाएगा वो बोन मैरो की तरफ, बोन मैरो में जैसे वो बढ़ता जाएगा तो वहां पे वो सेटल हो जाएगा, वहां पे वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा और बढ़ता शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या कर देगा वो बोन मैरो को इन्फेक्ट करेगा, ब्लड सप्लाई जो है वो ब्लॉक कर देगा, और धीरे धीरे इन्फेक्शन वो बढ़ाता जाएगा, और सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया रहता है इसमें वो रहता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जिसे स्टेफ इन्फेक्शन कहा जाता है, अगर इसके कारण अगर होता है तो उसे स्टेफ इन्फेक्शन जो है वो कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा कारण जो है वो ऑस्टियोमायलाइटिस का, ये सबसे ज्यादा कारण बनता है। यू आर मोर एट रिस्क ऑफ गेटिंग द ऑस्टियोमायलाइटिस इफ यू हैव, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसको ज्यादा ट्रिगर करते हैं या स्टिम्युलेट करते हैं। आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट किया है आपने, मतलब कोई नी सर्जरी हिप सर्जरी या रिप्लेसमेंट किया है, तो वो उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि वो देखते हैं कि हड्डियों में ही हम देखते हैं कि जो अफेक्ट करता है, यहाँ पे जब नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो वहां पे बोन मैरो उसके आसपास ही है, तो वो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। ब्लड इन्फेक्शन है या कोई कंडीशन, आपको सिकल सेल एनीमिया है कोई, या ब्लड सेल रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है उसके कारण भी हो सकता है। डायबिटीज है, डायबिटीज हम देखते हैं कि जो कुछ वुंड हो जाता है, कुछ घाव हो जाता है, तो वो जल्दी जो है वो ट्रीट नहीं होता है, जो इंजेक्शन पे आ जाते हैं, जो इंसुलिन पे आ जाते हैं डायबिटिक में, तो वो जल्दी जो है वो ट्रीट नहीं होता है, अल्सर हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, जो कि इन्फेक्शन धीरे धीरे शरीर के अंदर लेके जाता है। मेटल इम्प्लांट इन द ब्रोन, कोई स्क्रू वगैरह अगर लगाया हुआ है, कुछ इम्प्लांट किया हुआ है, उसे रॉड वगैरह से लगा के उसे ठीक किया गया है कुछ एक्सीडेंट की वजह से या कुछ बोन फ्रैक्चर्स की वजह से, तो उसके कारण ये हो सकता है। प्रेशर इंजुरीज या बेड सोर्स, आपको कोई बीमारी है या फिर कोई इश्यू है जिसकी वजह से आप काफी लंबे समय तक बेड पर सोए हुए हैं,
कुछ किसी को पैरालिसिस हो जाता है या कुछ हो जाता है तो काफी लंबे समय तक वो बेड पे है, या फिर किसी और बीमारी की वजह से कुछ 2-3 महीने के लिए तो वो बेड सोर्स हो जाते हैं, पूरी पीठ पे जो फोड़े फोड़े हो जाते हैं उसे बेड सोर्स कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो पेशेंट काफी समय तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं उन्हें अगर साफ नहीं किया जाए सही समय पे या प्रॉपर तरीके से, या फिर घर में भी कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं तो उन्हें बेड सोर्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। रिसेंट ब्रोकन बोन और ब्रोकन और बोन सर्जरी, हाल ही में आपकी कोई हड्डी टूटी है या फिर कोई बोन की सर्जरी हुई है तो उसके कारण ये होने के चांसेस रहते हैं। ट्रॉमेटिक इंजुरी और वुंड, काफी ज्यादा सीवियर आपका एक्सीडेंट हुआ है, ट्रॉमेटिक इंजुरी हुई है काफी ज्यादा, या तो गिरे हैं कहीं से आप, हाथ पैर टूटे हुए हैं और काफी घाव आ गए हैं आपके शरीर पे, उसके कारण भी ये होता है। वीक इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकार शक्ति आपकी कम है तो काफी ज्यादा बीमारियों को वो इन्विटेशन देता है और जिसमें से ये बीमारी भी एक इंक्लूडेड है। तो रोग प्रतिकार शक्ति कम रहेगी तो शरीर की जो फाइटिंग सिस्टम है वो कम हो जाएगा, इन्फेक्शन शरीर के अंदर आना उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी अगर वो रोग प्रतिकार शक्ति उसे रोकेगी नहीं तो, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इन्फेक्शन हमारे शरीर में दे सकता है। सिम्टम्स क्या है? ऑस्टियोमायलाइटिस साइंस वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड द कॉसेस। देखो टाइप्स उसके अलग अलग हैं और उसके जो कॉजेज हैं, रिस्क फैक्टर हैं उसके अलग अलग हैं, उसके हिसाब से ही उसे जो साइंस रहेंगे यानी कि जो उसका जो हिंट रहेगी या जो उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी बीमारी की वो वेरी कर सकती है। सम पीपल विद द क्रॉनिक ऑस्टियोमायलाइटिस डोंट हैव एनी सिम्टम्स, ठीक है। तो क्रॉनिक ऑस्टियोमायलाइटिस हमने देखा था कि इसमें सिम्टम्स जो है वो जल्दी देखने को हमें मिलते नहीं है, ये दबा हुआ रहता है क्रॉनिक ऑस्टियोमायलाइटिस, मैंने पहले बताया था, ठीक है। इन एडिशन टू पेन द इन्फेक्टेड एरिया मे बी रेड वार्म स्वोलन एंड टेंडर टू टच, ठीक है। तो दर्द तो होगा ही लेकिन रेडनेस भी हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, जैसे भराव लगेगा, स्वोलन लगेगा आपको, टेंडर हो जाएगा काफी ज्यादा, वो टाइट हो जाएगा तो फिर दर्द होगा, यानी कि हाथ लगाते वाला वो उसमें काफी ज्यादा दर्द जो होता है एक चुभन जैसा महसूस होता है, तो ऐसी फीलिंग आपको ज्यादा आएगी, ऐसे सिम्टम्स जो है वो ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। अदर साइन इंक्लूड्स ड्रेनेज होगा, काफी बढ़ गया है इन्फेक्शन तो येलो पस जो है वो वहां से हड्डियों में से वहां से निकलना, या फिर वहां से जो पोर्शन है जहां पे इन्फेक्शन हो गया वहां से वो बढ़ता निकलता जाएगा और स्किन के फोड़े के थ्रू जो है वहां से देखने को मिलेगा। फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, इरिटेबिलिटी और लिथार्जी आ जाएगी, काफी चिड़चिड़ापन लगेगा शरीर से आपको कुछ अच्छा है क्योंकि कुछ ना कुछ खराब है आपके शरीर में, इरिटेबिलिटी रहेगी, लिथार्जी आपको पड़े रहना लगेगा कि मैं बैठा रहूं, लिमिटेड पेनफुल मोमेंट आपकी मोमेंट जो है वो काफी लिमिटेड हो जाएगी, काफी दर्दनाक मोमेंट जो है वो हो जाएगी, खास करके जब वर्टेब्रल कॉलम को अगर ये पकड़ लेता है तो। लॉस ऑफ एपेटाइट, हम जब भी चिड़े हुए रहते हैं, जब भी मूड अच्छा नहीं रहता है, शरीर में कोई तकलीफ होती है सबसे पहली चीज है कि हमें खाना अच्छा नहीं लगता है। लोअर बैक पेन, तो कमर के नीचे के यहाँ पे जाना जो काफी ज्यादा दर्द जो आपको रहेगा, नौशिया वॉमिटिंग आपको तकलीफ रहेगी, आपको इन्फेक्शन है आपके शरीर में तो नौशिया वॉमिटिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, टाइप और कॉजेस पे वेरी कर सकते हैं। स्वेटिंग और चीज, कभी आपको गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, कभी आपको ठंड लगेगी ज्यादा, तो ये वेरी कर सकते हैं। डायग्नोसिस किस तरीके से कर सकते हैं? आप फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखेगा, आपसे बात करेगा कि कैसा महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, कब से महसूस हो रहा है, वो उस पोर्शन पे देखेंगे आपको कि क्या होने लग रहा है, तो फिर वो आगे के टेस्टिंग आपको रिकमेंड करेंगे। तो सीबीसी कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें से इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, कई बार सीआरपी करवाते हैं, ईएसआरपी करवा लेते हैं, इसमें आजकल तो पूरा बॉडी पे करवा लेते हैं, इन्फेक्शन प्रोफाइल भी बना हुआ रहता है जिसमें काफी टेस्ट जो है वो इंक्लूडेड रहती है, इससे कंक्लूजन पे आया जाता है ताकि बार बार किसी का ब्लड जो है वो निकालने की तकलीफ ना हो सके। ब्लड का कल्चर भी लिया जाता है, इसे ब्लड सैंपल एक कंटेनर में लिया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है, उसमें एक पेट्री डिश करके रहती है, उस डिश में उसे डाला जाता है और देखा जाता है कि इसमें जो ग्रोथ है किसी बैक्टीरियल वायरस की या फंगल की ग्रोथ तो नहीं है, तो वो जो आती है वो अपने सिस्टम में आ जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर फिर आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करता है। तो 3 से 4 दिन लगते हैं कल्चर की रिपोर्ट आने को, क्योंकि ग्रोथ देखने में 3 से 4 दिन लगते हैं। इमेजिंग टेस्टिंग और ब्लड कल्चर को ना 15 दिन के बाद भी एक रिपोर्ट आती है, कि एक तो 4-5 दिन के बाद आ गई और उसके बाद एक और 15 दिन के बाद भी एक रिपोर्ट आती है जो फाइनल कंफर्मेशन रिपोर्ट रहती है, ठीक है। इमेजिंग टेस्टिंग करवाते हैं, एक्सरे करवा लिया उसका, जो इसमें देखते हैं कि कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल के थोड़ा जो है वो देखा जाता है, सोनोग्राफी करवा लिया, सीटी स्कैन करवा लिया, हमारे ये कॉमन शब्द हम लोग आजकल सुनते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन होता है, मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग से होता है,
सोनोग्राफी एक्सरे कॉमन शब्द है, हर व्यक्ति को पता है कि देखा जाता है बोन के रिलेटेड अगर कुछ तकलीफ है तो उसमें क्या इशू है। अब बोन स्कैन क्या रहता है कि जो सोनोग्राफी के साथ साथ कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल भी स्मॉल अमाउंट में सेफ अमाउंट में डाले जाते हैं ये देखने के लिए कि बोन के अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, तो वो देखने के लिए बोन स्कैन किया जाता है। बायोप्सी मैंने पहले ही बताया है कि कोई मान लीजिए स्किन पे इन्फेक्शन हुआ है तो स्किन कट किया जाता है, बोन्स में हो जाए तो बोन्स का कोई पार्ट लिया जाएगा या फिर कोई नीडल से कोई पार्ट लिया जाएगा, कुछ पोर्शन लिया जाएगा, कुछ जो सीक्रेशन हो रहा है कुछ बॉडी से उसका पोर्शन लिया जाएगा, उसका स्लाइड में बना के उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है बायोप्सी। इसमें क्या होता है स्पेशली परफॉर्म ऑन नीडल बायोप्सी टू टेक द सैंपल ऑफ फ्लूइड टिश्यू और बोन टू एग्जामिन द साइन ऑफ इन्फेक्शन। कुछ टिश्यू का लेंगे, कुछ कट जो जैसे मैंने स्किन टिश्यू का बताया वो कट ले लेते हैं, कुछ फ्लूइड अगर निकल रहा है तो फ्लूइड का ले लेंगे, बोन से रिलेटेड तकलीफ है तो बोन का हिस्सा ले लेंगे और उसे फिर उसके साइंस और जो है एग्जामिन जो है वहां पे करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, अगर आपको ऑस्टियोमायलाइटिस होता है तो आपको कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। एब्सेसेस मतलब क्या होता है, पस की एक गांठ बन जाती है, वो पस की गांठ हड्डियों में से धीरे धीरे क्या होता है फिर वो मांस में आ जाती है, मसल में आती है, फिर मसल से धीरे धीरे वो स्किन की तरफ आती है और काफी ज्यादा घना फोड़ा जो है वो हो जाता है जिसमें काफी ज्यादा पस जो भरा हुआ रहता है, और इससे अगर सही तरीके से ट्रीट अगर नहीं किया जाता है या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है ऐसे व्यक्ति को तो ये स्किन कैंसर होने के चांसेस भी इसमें रहते हैं। बोन डेथ क्या होता है कि अगर इसमें पस ज्यादा जमा हो जाने की वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो हड्डियों में रुक जाता है, जो ब्लड प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है जिसकी वजह से बोन मैरो डैमेज हो जाती है, बोन मैरो के साथ बोन भी डैमेज हो जाती है, बोन में हड्डियों में जान ही नहीं रहती, धीरे धीरे क्या करता है वो पूरा पोर्शन ही डेड हो जाता है, उसमें कोई ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से धीरे धीरे वो पूरा डेड हो जाता है। और बहुत ही ऐसी रेयर कंडीशन आती है जब उस व्यक्ति का हाथ या पैर जो है वो काटना पड़ सकता है। स्टंट ग्रोथ, अगर मान लीजिए बच्चे में अगर यह होता है तो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, स्टंट हो जाती है, काफी समय जो उसकी हाइट होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं होती है, जो उसकी एक ग्रोथ होनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो जाती है, वो रुक जाती है, तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो ऑस्टियोमायलाइटिस जिस व्यक्ति को है जिस बच्चे को है उनमें होने के चांसेस रहते हैं। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरिया के कारण हुआ है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर फंगस के कारण हुआ है तो एंटी फंगल देंगे। कैसे पता करेगा, ये सब डायग्नोसिस में ये सब चीजें जो है वो पता की जा सकती है, कल्चर वगैरह बायोप्सी के द्वारा पता की जा सकती है कि ये बैक्टीरिया है फंगा है उस पर ट्रीटमेंट दी जाती है। नीडल एस्पिरेशन, फोड़ा हो गया तो वहां पे नीडल प्रेस करके वो पस को निकाला जाता है ताकि इन्फेक्शन और ना बढ़े, उस पोर्शन को साफ किया जाता है और उसे सही तरीके से रखा जाता है ताकि तकलीफ और ज्यादा ना बढ़ सके। पेन रिलीवर दिए जाते हैं एनएसए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की एक जो कैटेगरी रहती है, जो पेन किलर जैसे हम लोग कहते हैं दवाइयां, वो दिए जाते हैं ताकि आपका दर्द जो है वो कम हो। बोन की सर्जरी, अगर पता चलता है कि अगर बोन सर्जरी करके कुछ पोर्शन को साफ करके अगर सही तरीके से वहां ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ा के उसे साफ किया जा सकता है तो आपके साथ जो है वो स्पेशलिस्ट खास करके ऑर्थोपेडिक और रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो आपके साथ बैठते हैं बात करते हैं और उसको पूरा बताया जाता है कि इसमें ये तकलीफ है उसके लिए सर्जरी करना कितना आवश्यक है और फिर आपको सर्जरी करके उसे ठीक किया जाता है। स्पाइन सर्जरी अगर रीड से रिलेटेड हुआ है, तीसरा अगर टाइप है वर्टेब्रल तो फिर स्पाइन का सर्जरी किया जाता है कि उसमें क्या तकलीफ है वो डॉक्टर आपके साथ शेयर करता है, एक्सरे सोनोग्राफी MRI और उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं, क्या तकलीफ है पूरा शेयर करते हैं और किस तरीके की सर्जरी होने वाली है और सर्जरी का क्या आउटकम आएगा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद फिर आपके ऊपर रखते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के काफी ज्यादा जो ट्रीटमेंट है वो इस ऑस्टियोमायलाइटिस में दिए जाते हैं। आज का टॉपिक यही तक था, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।